नमस्ते, एसटी किचन एंड इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सूजी और आलू का नाश्ता बनाऊंगी। सूजी और आलू के इस नाश्ते में आपको समोसे और कचौड़ी दोनों का स्वाद मिलेगा और बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी और आलू के इस हेल्दी नाश्ते को बनाना। सूजी और आलू के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू। तो मैंने यहाँ दो मीडियम साइज का आलू छील के लिया है। अब आलू को कद्दूकस कर लेना है। अब ये ग्रेट किया हुआ आलू इसको पानी में डालेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और ये काले भी ना पड़े। अब ये जो ग्रेट किए हुए आलू है इन सबको पानी में से निकाल लेना है। तो अच्छी तरीके से इसे निचोड़ के सारा पानी आलू का निकाल के रखना है। अब इन आलूओं को हम साइड में कर लेते हैं और अब ले लेंगे एक बाउल और बाउल में डाल देंगे एक कप सूजी और अब ले लेना है आधा कप बेसन और अब ये ग्रेट किया हुआ आलू भी इसमें डाल देना है। और अब एक कप पानी लेना है और पानी डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लगभग इसमें एक कप पूरा पानी डाल देना है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस बैटर को ढक के 10 मिनट के लिए रखना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब इस तरह का कोई बर्तन ले लीजिए या केक टिन हो उसे ले लीजिए और अब थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे और बर्तन को ग्रीस कर लेना है। और यहाँ मैंने बर्तन को ऑयल लगा के चिकना कर लिया है। 10 मिनट हो चुका है और अब बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और अब इसमें मिला लेना है कुछ मसाले। सबसे पहले डालूंगी मैं एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। दो हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, इसे भी इसमें डाल देना है। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देना है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। एक छोटे चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और एक नींबू का रस डाल देना है। दो पिंच हल्दी डालेंगे और एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देना है और एक छोटा चम्मच यहाँ मैंने अजवाइन लिया है, अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। और अब इस बैटर में 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। और अब इसमें डाल देना है 2 पिंच बेकिंग सोडा। अब बैटर में बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब ग्रीस किए हुए बर्तन में इस बैटर को डाल देना है। अब इस बर्तन को थोड़ा टैप कर लेंगे और यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखा है। इस पानी में आप कोई कटोरी या कोई भी स्टैंड रख दीजिए और इस बैटर को हम इसमें रखेंगे और अब इसे ढक के 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। 15 मिनट हो चुका है और अब हम नाश्ते को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये ऊपर से गीला है तो आप इसे खुले में ही 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो ये हमारा नाश्ता बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और अब इसे हम इस बर्तन में से निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा नाश्ता ठंडा हो चुका है। अब एक चाकू लेंगे और साइड से इसे हम स्क्रैच कर लेंगे।
और अब यहाँ हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से पलट लेना है और ऊपर से थोड़ा सा हम टैप करेंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे अब इसे मैं पलट लेती हूँ और अब मैं इसे काट लूँगी। पहले बीचों बीच काटूँगी, आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इसे ट्रायंगुलर शेप में कट किया है। और यहाँ मैंने सारे पीस को कट कर लिया है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे इसी तरीके से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपकी इच्छा हो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ एक पैन गरम कर रही हूँ और पैन में 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। जब तेल गरम हो जाए तो एक एक पीस को हम इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही नाश्ते को फ्राई करना है। थोड़ी देर सिकने के बाद अब इसे हमें पलट लेना है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे पलटते हुए चारों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें सेक लेना है। नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए नाश्ते का कलर कितना अच्छा आया है। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी के नाश्ते को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारा दूसरे बैच का भी नाश्ता बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब इन सबको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी समोसे कचौड़ी के स्वाद वाली बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इस नाश्ते को आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, शाम के चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।